सतनामी समाज की गुरु प्रथा पर शिव डहरिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, गुरु घासीदास जी के वंश में पैदा होने से ही कोई गुरु नहीं हो जाता। बाबा गुरु घासीदास जी ही सतनामी समाज के असली गुरु हैं। सतनामी समाज के 80% लोग गुरु प्रथा बंद करना चाहते हैं। सतनामी समाज पूरी तरह एक है। गुरु लोग अवसरवादी हैं। कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस में थे, चुनाव आया तो बीजेपी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर सतनामी समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, और जो भाजपा से जुड़े नेता है वो भाजपा का साथ दे रहे हैं। जो गुरु बोल रहे हैं उनको तो सतनामी समाज का साथ देना चाहिए। दयालदास तो गरीब को, जो मंत्री है वो सतनामी समाज के बदौलत महामंत्री बन के बैठे हैं, उनको सतनामी समाज का साथ देना चाहिए। सतनामी समाज का साथ छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। निश्चित रूप से नदी है, और हमारे समाज में भी इस बात की चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जानबूझकर समाज को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समाज के लोग इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। धमतरी जिले की नगरी ब्लॉक का खमरिया गांव, जहां शमशान घाट तो बना है लेकिन वहां तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, जिस कारण मजबूरन ग्रामीण अपने निजी खेतों में दाह संस्कार कर रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए पहाड़ जैसी समस्या टूट पड़ती है। यह हालत है कि गांव के लोग भगवान से न मरने की प्रार्थना कर रहे हैं। और ये मैंने प्रयास किया था, बजट में आ भी चुका है, उसका सर्वे हो रहा है। जैसे सर्वे रिपोर्ट आएगा तो वो प्रशासन को चला जाएगा, और उसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी मैं खुद मंत्रालय में भिड़ के उसको प्रशासकीय स्वीकृति दिलाऊंगी। छात्र संघ चुनाव को लेकर एक बार फिर से हवा तेज होने लगी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू करने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से कहा, पूर्व में लगातार प्रतिवर्ष छात्र संघ चुनाव किए जाने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में सुधार तथा विकास युवा नेतृत्व के माध्यम से संपन्न होता था, परंतु 2016 के पश्चात प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। पिछले 2 से अधिक वर्षों से छात्र संघ मनोनयन भी नहीं हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी को एसपी सर के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। वो जो 2016 में जो छात्र संघ चुनाव हुआ करता था उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने रोक लगा दिया है, जिससे जो महाविद्यालय और विद्यालयों में हम देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हमको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ये चुनाव होता है तो वहाँ पे जो विद्यार्थी होते हैं वो उस चीज के लिए जागरूक होते हैं, और वहाँ वो अपने विद्यालय और महाविद्यालय के लिए उनके अंदर एक आप बोल सकते हैं कि कुछ चीज करना होता है उनको, ऐसा उनके दिमाग में चलता है। अगर आप किसी को कुछ दायित्व देते हैं और उनके पास वो दायित्व है तो वो जाहिर सी बात है कि वो उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। तो ये अभावे छत्तीसगढ़ का मांग है कि जो छात्र संघ चुनाव है उसको फिर से शुरू करना चाहिए। हमारी ये मांग है कि साल 2016 से जो छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया गया है, ये युवा नेतृत्व को दबाने का प्रयास है। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि सरकार दोबारा से फिर से छात्र संघ चुनाव हर विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शुरू करें। महादेव ऐप मामले को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, अब सीबीआई महादेव सट्टा ऐप की जांच करेगी। महादेव सट्टा ऐप को लेकर लिया गया मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा। रायगढ़ के विषय में पुलिस ने जांच की है, पुलिस ने तत्काल गिरफ्तारियां की हैं। घटनाओं की तुलना नहीं करनी चाहिए, पुलिस मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। इस बात का निर्णय किया गया है कि महादेव ऐप के संदर्भ में सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि यह अनेक प्रदेशों का मामला है। इसमें कुछ मुखिया ऐसा कहा जाता है कि भारत से भी बाहर रहते हैं, तो इन सारे विषयों को लोग लेकर के ऐसा निर्णय किया गया कि सीबीआई से स्वच्छता से और दृढ़ता के साथ इसकी जांच हो, ताकि सारी स्थितियां स्पष्ट हो सकें। कहीं कहीं किसी को कुछ सोचने का भाव आ जाता है तो वो स्पष्ट होनी चाहिए बात, इसलिए इस बात का निर्णय किया गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ आगमन है। इसे लेकर डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह प्रदेश में पूरी दृढ़ता और ताकत के साथ नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई और नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए उचित माहौल बनाने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। आज माननीय अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ आगमन है। पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी ताकत के साथ नक्सलिज्म के विरुद्ध कार्यवाहियों के लिए, आत्मसमर्पण के लिए उचित माहौल बनाने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर की भी समीक्षा के लिए वो आ रहे हैं।